दिन आ गए आप लोग, मौज ले रही हैं, राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर बनने से मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, राम जी मेरे घर का चूल्हा जला देंगे। तो इनविटेशन भेज रहे सब लोगों को, क्या ही आप लोग? नहीं तो हमें उनके इनविटेशन जरूरत है, मैं तो अयोध्या होकर आ गई, इनविटेशन की जरूरत है अयोध्या जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। बात यह है कि क्या राम जी मेरे घर का चूल्हा जलाएंगे? क्या मेरे घर का राशन पानी, मेरे बच्चों की फीस, मेरे घर के बड़े बुजुर्गों का दवाई का खर्चा, उनका इलाज क्या राम जी करवाएंगे? चंपत राय तो कह रहे मोदी जी विष्णु के अवतार है, तो उनकी लक्ष्मी जी कहां है फिर? विष्णु जी तो बिना लक्ष्मी के होते ही नहीं है। विष्णु जी चाहे किसी भी रूप में आए हो, वो कृष्ण के रूप में आए तो राधा उनके साथ थी, वो राम के रूप में आए तो सीता उनके साथ थी, तो हर रूप में थी। तो इस रूप इस अगर वो विष्णु के अवतार है, हम इनकी बात मान भी लेते चंपत राय जी की, तो उनसे ये पूछिए उनका ज्ञान अधूरा है क्या? विष्णु कभी बिना लक्ष्मी के हुए हैं? विष्णु की तो पूजा लक्ष्मी के साथ होती है। आप एक बताओ, जो असल में अयोध्या का जो मंदिर की जो प्राचीन जितनी भी चीजें थी वो तो बंद कर दी, सीता की रसोई बंद कर दी, हमने कुआं था वो बंद कर दिया, ये तो सब राजनीतिक स्टंट है। मुझे तो पहले भी थी साथ ही, मस्जिद भी थी साथ ही, राम मंदिर भी तो बहुत अच्छा चल रहा था। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो कि यहाँ पे जो है पहले जो है ऐसा शासन नहीं चला था, भ्रष्टाचार चल रहा था। मोदी जी तो कह रहे हैं, आम जनता से भी पूछो ना वो क्या कह रहे हैं। क्या बोले, मोदी गारंटी चल रही है प्रदेश में? मोदी गारंटी नहीं चल रही, मोदी फ्रॉड चल रहा है, मोदी गारंटी नहीं चल रही, मोदी फ्रॉड चल रहा है और कुछ नहीं है। आपने देखा बैलेट पेपर में जितने भी पोस्टल वोट्स आए हैं वो सारे वो 90% कांग्रेस के पक्ष में थे। जैसी ईवीएम खुलती है वो सारा पैसा पलट जाता है। बिल्कुल, ईवीएम तो चुनाव उनका, चुनाव आयोग उनका है, सब कुछ उनका है, तो सब कुछ हो सकता है। कितनी मशीनें पकड़ी, कोई कुछ भी दिखा रहे हैं? आप जैसे भाई लोग हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स लेते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर, बाकी वीडियो तो आपको पता है मोदी मीडिया है, कुछ भी दिखा चाहिए तो छुपाता है ना। और देश की जनता इतनी भोली है, इतनी इनोसेंट है, क्योंकि अपनी अभी रोजी रोटी के उसमें लगी रहती है, उनको ये इतनी चीजों को नहीं सहने में मन नहीं है। स्मृति ईरानी सब लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे दिन आए, उन्हीं के अच्छे दिन आए, उन्हीं के अच्छे दिन आए। स्मृति ईरानी तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी चल रही है, आप लोग फिर यहाँ जंतर मंतर क्यों पहुंच रहे? कौन कह रहा है? स्मृति ईरानी कह रही है, हाँ सेल्फ डेमोक्रेसी में स्मृति ईरानी के बोलेंगी, जब उन्हें खुद ही असंवैधानिक तरीके से जिता के संसद तक पहुंचा दिया गया तो वो ये नारे तो आप देंगी? ये बात तब है कि जब दोबारा लोगों के बीच जाए, चुनाव लड़े और उस टाइम इस बारे में बात करेंगे, तब तब देखेंगे। अभी क्या हो गया सेल्फ डेमोक्रेसी, भारत तले समान कब्जा लेके हो गया? अभी आप यहाँ थे जंतर मंतर पे, आप लोग 2014 से लगभग आ रहे, महिलाएं, छात्र, माइनॉरिटी, किसान, धर्मगुरु, कौन यहाँ पे नहीं आया? आप ही लोगों ने लगा ले कितने लोगों को देखा होगा। तो अगर डेमोक्रेसी सेफ है तो यहाँ बार बार निकल के लोग क्यों आते हैं? यहाँ तक आने का मतलब है जो जंतर मंतर तक आ रहा है और अपनी बात कह रहा है, इसका मतलब यह है कि वो परेशान है। और आज जिस तरह से संसद को खाली करके खुद कंचा खेल रही है सरकार अंदर बैठे एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद तो ये होना ही है। सेफ डेमोक्रेसी इसी के लिए तो है कि चुने हुए लोगों को संसद से निकाल के बाहर अपने सीढ़ियों में बैठा दिया है, यानी उस वोटर की भी कीमत नहीं रखी जिन्हें उन लोगों को जिता जिता के संसद तक भेजा। आचरण खराब है ना मैम, कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे जाकर, कड़ी पार गृहमंत्री हमारा आचरण, फिर आपको आचरण ढूंढने की जरूरत आचरण। वो भूषण सिंह संसद के अंदर है, साध्वी प्रज्ञा संसद के अंदर है, आचरण किसका खराब है? माइंडसेट खराब है लोगों के, मेंटालिटी खराब है, दिल काले हैं वो लोग भी तो संसद के अंदर बैठे हैं। मैं सवाल पूछते हैं ये लोग, अरे एक्चुअली क्या है, हेमा मालिनी जी में समस्या है, हेमा मालिनी जी मिल जाती है राधा रानी के नाम पे नाच के आ जाती है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है उनके, तो हर बार सत्ता में लौट आती है। वृंदावन वाले मथुरा वाले जो है थोड़े वो थोड़े से ना मुक्त हो जाते हैं, तो ये तो अपने चेहरे के ऊपर वो इन्हीं के किसी नेता के हेमा मालिनी नाचवा दी, इन्हीं के नेताओं के शब्द ना, आचरण इनका खराब है और भाषा की मर्यादा वो लोग भूलते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं बार बार कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप स्टेट डेमोक्रेसी नारा लगा दिए। नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या मतलब, बीजेपी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। नहीं, लोकतंत्र की जननी है भारत, लेकिन किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? कांग्रेस के, यूपीए के, बीजेपी के शासनकाल में? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, आपने एक झटके में पूरा का पूरा एक बात बताइए, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ठीक है, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, वो जो भी था वो पकड़े गए, सब कुछ हुआ, पर क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? राहुल गांधी कह रहे थे आपके नेता कि भाई उस पर सवाल मीडिया ने नहीं किया, मेरी मिमिक्री पर सवाल किया। हाँ, मीडिया नहीं पूछता, मीडिया नहीं पूछता। हाँ तो आप बताइए ना, मुझे आप बताइए कितना प्रतिशत रोजगार बढ़ा है पिछले एक साल के, बता दीजिए। मोदी की गारंटी क्या है मैम? दे रहे हैं मोदी जी, अब ये तो आप राजस्थान वालों से पूछिए, कहा था 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो वो सिलेंडर के लिए मना कर दिया, उन्होंने कह दिया ऐसी कोई गारंटी नहीं थी हमारी, और मैं राजस्थान में प्रभारी थी इसलिए मैं बोल रही हूँ। उनके बकायदा उन्होंने खूब भाषणबाजी की है, जयपुर में भाषणबाजी, अमित शाह ने यही भाषणबाजी जो है अजमेर में आके करी है कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो आया वो सिलेंडर तो मुकर गए, तो यही उनकी गारंटी है। फिर कैसे? देखिए देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, जहाँ जहाँ भी मतदान और गणना के बीच में गैप ज्यादा होता है ये वही जीतते हैं। अपने तेलंगाना में सबसे कम गैप था, हार गए। आप बाकी जगह देखिए 12 दिन का गैप, 15 दिन का गैप, 17 दिन का गैप, मैनिपुलेशन। और देखिए एक मिनट रुकिए, अगर मैं गलत नहीं तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के इमीडिएट बाद इलेक्शन कमीशन का घोषणा आया कि 62-63% मतदान हुआ है, दूसरे दिन फिर घोषणा आया इतना प्रतिशत मतदान बढ़ गया, तीसरे दिन इतना, ऐसे कैसे हर दिन जब तक आपके ईवीएम सील हो गए उसके बाद कैसे ये गणना बढ़ रही है? क्या लग रहा है कि 84% देखिए ईवीएम पर क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मतदाता का रुख जरूर बदलेगा। कहा जा रहा है कि मोदी तो बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। जी काम की बात हो ना, कौन सा आपने मणिपुर का देखा ना हाल, आपने क्या इतना बड़ा काम किया मणिपुर में, इतनी वीडियो वायरल हुई थी, देखा था, हमें शर्म आ रही थी उस पर, लग रहा था कि अभी हाथ में कुछ हो तो जाकर अभी जाके मार धार करके आ जाए, इतनी शर्मिंदगी हो रही थी हमें, अपने देश के ऊपर लज्जा आ रही थी कि क्या ये काम हो रहा है महिलाओं के लिए, ये मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कहने वाली बात ही क्या, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन मोदी के बारे में कहा कि सब समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कहने में क्या होता है, हो रहा है। आप साक्षी जी को जो हमारे पहलवान बैठी थी वो भी महिलाएं थी, उनसे क्या हुआ है? आज वो अपना कुछ नहीं काम, उन्होंने त्याग दिया कि मैं नहीं करूंगी कुछ, कितनी हमारे लिए बहुत ही है, ये भी बहुत शर्म था कि इतनी अच्छी गोल्ड मेडलिस्ट है, आज वो सब कुछ
त्याग रही है, इससे शर्मिंदगी और क्या हो सकती है। मैम आप कह रही है तमाम समस्या, लेकिन जनता विश्वास फिर कैसे कर लेती है मोदी जी पे? आप राजस्थान देखिए या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिर आई नहीं। देखिए ऐसा है, ईवीएम से पहले चुनाव कराना, बैलेट पेपर से कराना, अंगूठे लगवा लेना, कुछ भी कर लेना, मैं कह रही हूँ फोन से भी आप करना चाहें तो फोन से भी करा लें। हर तरह से भाजपा की अगर लीड आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? समस्याओं के रहते हुए बिना उनके सॉल्यूशन के, डेमोक्रेसी में डिबेट हुए बिना, डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट हुए बिना, अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग पर भी थोड़ी सी नजर डालें। लेकिन मैं जिस तरह से आप राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, धनगर कह रहे हैं कि जाटों का अपमान है, किसानों का ही अपमान है, क्या कहते थे राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे? राहुल गांधी ने वीडियो वायरल करी है? नहीं, वीडियो वायरल करी है, राहुल गांधी ने वीडियो वायरल करी है, बलात्कार के जो है वीडियो बना बना के लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, लड़कों लड़कों बच्चे बच्चियों को जला के ऐसे अटैक करके चलाते, वो वीडियो बना बना के उस पर शेयर करते हैं। और राहुल गांधी ने एक वीडियो एक सांसद का मिमिक्री करता हुआ बना लिया, नेहरू गांधी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसकी मिमिक्री नहीं हुई? मीरा कुमार भी, किसकी मिमिक्री नहीं हुई? और कौन रोया, कैसे कौन रोया इनमें से? धनखड़ जी को शर्मिंदगी हो रही है अपने झुकने पे, तो वो मोदी जी से तो कुछ कह नहीं सकते, तो जाके टीकरा किसके सर पड़ेंगे? टीकरा पड़ेंगे विपक्ष से। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? डेमोक्रेसी क्या सेफ नहीं है क्या? ये तो आप देख रहे हो, हम कहते हैं हाथ को आरसी का, पढ़ लिखे को फारसी का, तो आप देख रहे हो कि संविधान कितना सेफ है, संविधान ये तानाशाही है, कभी आज तक हुआ है जो आप हो रहा है? कभी आज तक इतना हुआ है कि इतने सारे सांसद को वो अब संसद से निकाल दिया जाए? ऐसा कभी हुआ है? क्या वो चोर है, डकैत है, क्या है वो? वो जीत कर आए हुए हमारे उम्मीदवार हैं, उनको किस तरह से अपमानित करके भाग? क्या वो एक्चुअली ये चाहते हैं कि जैसा वो मेजोरिटी है तो जैसा वो चाहे वो वैसा ही सब करे, कोई उनसे कोई प्रश्न ना उठाए, कोई उनका विरोध ना करे, उनकी नीतियों का कोई विरोध ना करे, वो यही चाहते हैं, और जो बोलेगा उसका मुंह बंद करने की हमेशा ही कोशिश करते हैं।